करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 180। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ आज लिखा है, लेट स्टार्ट द डे विथ रिविजन ऑफ द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी आज हम अपने दिन की शुरुआत पार्ट्स ऑफ बॉडी से करते हैं। तो देखिए यहाँ हम पिछली बार पढ़ चुके हैं कि किसको क्या कहते हैं, आज उसको ही हमें बॉक्स में लिखना है। लिखा है राइट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स यूजिंग गिवन हेल्प बॉक्स। अब आपको यहाँ हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसकी मदद से यहाँ आपको सबको जल्दी जल्दी लिखना है। तो देखिए ये सबसे पहले क्या है, बिल्कुल सही, ये है हेड, एच ई ई डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, ये है आपकी आईज, ये हेड हो गया। अब ये है आईज, ये लिखेंगे ई वाई ई एस, आईज, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या है आपका, ये है आपका एयर, तो आप लिखेंगे ई ए आर एस, एयर्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है माउथ, आप यहाँ से लिखेंगे एम ओ यू टी एच, माउथ। ये क्या है इसका, ये है आर्म, ठीक है, ये रहा ए आर एम आर्म, ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये है उसका फुट, ये रहा एफ डबल ओ टी फुट, ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये है लैग, ठीक, एल ई जी लैग। ये क्या है, ये है हाँ आपका हैंड, ठीक, आप लिखेंगे एच ए एन डी। हो गया सारा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगर आपको कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ से देख लेंगे। चलिए आगे पढ़े। अब यहाँ लिखा है लेट्स रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। चलिए अब हमें ये पिक्चर को समझकर पूरी कहानी को पढ़ना है, पूरे सेंटेंसेस को पढ़ना है। आई जम्प ऑन माई फीट, यानी मैं अपने पैरों से उछलती हूँ। आई राइट विद माई हैंड, मैं अपने हाथों से लिखती हूँ। आई स्मेल विद माई नोज, मैं अपनी नाक से सूंघती हूँ। आई ईट विद माई माउथ, और मैं अपने मुँह से खाना खाती हूँ। ठीक, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ लिखा है नाउ लेट अस कम्प्लीट द एक्टिविटी रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन द पेज नंबर 43 ऑन योर इंग्लिश वर्कबुक। अब आपके इंग्लिश वर्कबुक में पेज नंबर 43 आप खोलेंगे, वहाँ आपकी इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है जो कि यहाँ पर शो भी की गई है। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको जूम करके आपको समझाती हूँ क्योंकि वर्कबुक मेरे पास मौजूद नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए इस वर्कबुक में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है टेक द सिचुएशन वर्ड गिवन। अब ओ सॉरी सुटेबल दिख नहीं रहा ना यहाँ, हाँ तो ये बोलते हैं कि टेक द सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि आपको ब्रैकेट में दो वर्ड दिए गए हैं, जो सही और सुटेबल हो वो यहाँ आपको फिल करना है। जैसे आई राइट विद माई, तो क्या आ जाएगा हैंड्स, यानी मैं अपने हाथों से लिखता हूँ। उसके आई स्मेल विद माई, तो क्या आ जाएगा नोज, ठीक है, हम अपनी नाक से सूंघते हैं। फिर आएगा आई डांस ऑन माई, तो हम डांस किस पे करते हैं, तो आप करते हैं पैरों पे, ठीक है। उसके लिए आई होल्ड पेन विद माई, तो क्या आ जाएगा फिंगर, हम अपनी फिंगर्स से पेन को पकड़ते हैं। आई ड्रॉ विद पिक्चर विद माई, तो क्या आ जाएगा आपका हैंड्स, कि हम अपने हाथों से पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कर लेंगे आप लोग, आपके पास ये वर्कबुक होगी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। अब यहाँ आपको कहा गया है कि आपके पेरेंट्स से कि आपको बताया कि आज विज्ञान दिवस यानी आज नेशनल साइंस डे है, आज 28 फरवरी है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, और इसको मनाने 28 फरवरी यानी संडे को मनाया जाता है, आज तो 27 है ना। तो कह रहे हैं इसको मनाने का जो कारण है वो ये है कि 1930 में आज के दिन ही एक थे जो आपके ये साइंस मैथमेटिशियन, उनको साइंटिस्ट जो थे इनको वैज्ञानिक, यानी यहाँ लिखा है देखिए वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर विक्टन रमन, है ना, उन्होंने किसी एक रमन खोज की थी और उसके बाद उसको जो है सामने लाया था, जिसके बाद उन्होंने उन्हें पद्म भूषण जो नोबेल पुरस्कार है वो भी दिया गया था,
ठीक। और ये साइंस डे, साइंस डे इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों को साइंस के प्रति जागरूक कर सकें। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।